बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा इस्तेफहाम के उनवान से जो अहले इल्म के साथ गुफ्तगू का और उनसे मुख्तलिफ चीज़ें समझने और सीखने का एक सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं, आज उसका पहला प्रोग्राम है। और मैं शुक्रगुजार हूँ ब्रादरम ज़ीशान हाशिम साहब का कि उन्होंने इसके लिए वक्त इनायत किया और उनके दायरा इख्तिसास में से मुतालिक कुछ चीज़ें हम उनसे सीखने की कोशिश करेंगे। तो ज़ीशान हाशिम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मोस्ट वेलकम। ये आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस दावत काबिल समझा। दावत कबूल की और अपने इल्म और मुताले के कुछ ज़र्रात आप हमारे साथ शेयर करेंगे। बहुत जी हाँ, शुक्रिया जरूर इंशाल्लाह। जी। मुझे ज़ाती तौर पर तो गायबाना आपसे मुलाकात अब तक नहीं हुई, लेकिन गायबाना आपकी बैकग्राउंड से मुतल्लिक और आपने कुछ किताबें लिखी हैं, चीज़ें लिखी हैं, मुझे कुछ वाकफियत है। लेकिन अगर आप पसंद करें थोड़ा सा मुख्तर तौर पर, अगर जो लोग हमारे इस रिकॉर्डिंग से मुस्तफ़ीद होंगे उनके लिए, अगर आप थोड़ा सा बता सकें कि आप पाकिस्तान में किस तरह के बैकग्राउंड से आप मईशत इल्म मईशत में आए और अब आप बरतानिया में अपनी आला तालीम और तहकीक को परस्यू कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस सफर के बारे में अगर आप हमें बताएं। जी हाँ, पाकिस्तान में मेरा ताल्लुक शुजाबाद से है बेसिकली। और जैसे एक लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज की पाकिस्तान में अक्सरियत है, तो मेरा ताल्लुक भी उसी से है। जी और मेरी इब्तदाई तालीम जो है वो जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में हुई, और बायोलॉजी मेरा फेवरेट मजमून था। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन फिर इतने अच्छा अच्छे ग्रेड नहीं थे तो फिर मैं बिजनेस की तरफ चला गया। और सही मैं चाहता फिलासफी और साइकोलॉजी था, लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा कि ये अमीर लोगों को पढ़नी चाहिए, गरीब लोगों को बिजनेस पढ़ना चाहिए क्योंकि उन्हें नौकरी चाहिए। तो जी मैं फिर जब बिजनेस की तरफ गया, तो उससे पहले जब मैं एफएससी कर रहा था तो मैं मिला था सलाहुद्दीन साहब से, सलाहुद्दीन शहबाजी उनका पूरा नाम है। तो जी उनसे मिलने के बाद जो है एक तरह से मेरे अंदर फिक्री तब्दीली आई। उससे पहले मैं मौलाना मौदूदी से और डॉक्टर इसरार साहब की फिक्र से मुतासर था, और मैं तफहीमुल कुरान और बाकी जो तफासीर हैं वो मैं उस वक्त मुताला कर चुका था जब मैं एफएससी में था। लेकिन सलाहुद्दीन साहब से मिलने के बाद मैं इस्लामिक सोशलिज्म की तरफ गया। और जब मैं एमबीए में गया तो मुझे थोड़ा सा रेलिवेंट लगा कि ऑलरेडी मैं इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहा हूँ। लेकिन जब मैंने एमबीए किया और उसमें इकोनॉमिक्स पढ़ी, और वो दौर था कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म हो चुका था 2008 का, और और यूरोपीय यूनियन का क्राइसिस होने वाला था जिसको यूरो क्राइसिस कहते हैं। तो उस वक्त इकोनॉमी में बहस इसी इसी मामले में चल रही थी कि ये कैपिटलिज्म की वजह से है या किस वजह से है। तो फिर मैंने कैपिटलिज्म को पढ़ना शुरू किया और फिर मैं मार्केट इकोनॉमी की तरफ गया। और उसके बाद मैं फिर दुबई शिफ्ट हुआ, दुबई से मैं यहाँ आ गया। तो आजकल मैं जो पीएचडी में मेरा मौजू पॉलिटिकल इकोनॉमी ही है, और पीएचडी की ज़रूरत होती है कि हम तीन प्रोजेक्ट्स पे ना काम करें। तो पहला प्रोजेक्ट जो है मेरा वो ये है कि क्या जैसे हिस्टोरिकल लेगेसी है कि वेस्टर्न जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग यूएसए, वहाँ जमहूरियत टैक्सेशन में इजाफे की वजह से आई है, तो एक सबब ये था। तो मैं ये देखना चाह रहा था कि जो आजकल की नई जमहूरियतें हैं क्या उनमें भी जमहूरियत का जो जो बुनियादी सबब है क्या वो टैक्सेशन है या दीगर असबाब भी हैं। जो दूसरा पेपर है वो मैंने देखा है कि जो जो ममालिक गरीब ममालिक हैं लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज, उनमें जो रेमिटेंसेस का जो इनफ्लो है, यानी जो माइग्रेंट्स मुहाजरीन जो अपने पैसे भेज रहे हैं उन ममालिक में, उनका इदारों पर क्या असर है। और तीसरा जो मेरा पेपर है वो भी ख़त्म हो चुका है, वो इस मुतालिक है कि जो पोलिटिकल लेफ्ट है और पॉलिटिकल राइट है ये यूरोपियन कंट्रीज में नॉन यूरोपियन कंट्रीज में मैटर करती है इकोनॉमिक पॉलिसी में, या राइट और लेफ्ट दोनों की इकोनॉमिक पॉलिसी सेम है लेकिन सोशल और पॉलिटिकल पॉलिसीज मुख्तलिफ हो सकती है। तो इन अमूर में मैं काम कर रहा हूँ, और जो फील्ड स्पेशलाइजेशन की है जो अपने लिए मैंने मुंतखब की हुई है वो जमहूरियत ही है, तो डेमोक्रेसी पर मेरा ज़्यादातर काम है। ठीक। मुझे ये जो आपने सवालात बताए जिन पे आप तहकीक कर रहे हैं, सारे दिलचस्पी का हम जाहिर है उस तरह से
इकोनॉमी के बराह रास्त स्टूडेंट नहीं है, एक आम आदमी के तौर पर ही, लेकिन ये तीनों ही सवाल बहुत दिलचस्प हैं। जी तो हाँ जी हाँ, अगर हम अगर ये उसमें जो मैं सवालात समझना चाह रहा था उसमें शामिल नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि जमहूरियत इस वजह से आई कि मतलब बादशाह जो है वो टैक्स ज़्यादा लगा रहे थे, तो उसकी मुज़ाहमत के लिए ये जज्बा पैदा हुआ कि नहीं ये इसमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, और गोया गोया उसके इन्फ्लुएंस को या उसकी ताकत को कम करने के लिए। तो इसमें ये बताएं कि ये टैक्सेस तो है जो उसमें जी आम लोगों पर या किसानों पर लगते होंगे, लेकिन ज़ाहिर है उसमें जो ताजर तबका है और जो दौलत पैदा कर रहे थे उन पर भी लगते होंगे। तो ये जो हम आमतौर पर समझते हैं कि जमहूरियत जो है वो आवाम की एक आवाम की तरफ से सामने आई कि आम लोग जो हैं उनको राइट होना चाहिए कि वो सियासी अमल में हिस्सा ले, तो क्या ये यानी हिस्टोरिकली यही ठीक अंडरस्टैंडिंग है, या ये नतीजे में आई बुनियादी तौर पर ये कश्मकश थी बादशाह के अब दरमियान? मैकेनिज्म बहुत सारे हैं, लेकिन जो टैक्सेशन का और जमहूरियत का जो मैकेनिज्म है वो इस तरह से है कि मिसाल के तौर पर 16 सेंचुरी में, या जिसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, जो जमहूरियत का पहला एक तरह से मुआहदा था, उस दौर के अंदर ये था कि बादशाहों को ना एक बड़ा शौक होता था कि उनके ना अम्पायर, बड़ी अम्पायर हो, बड़ी रियासतें हो, ज्यादा से ज्यादा मुल्क फतह करें, और जंग नहीं जीती जा सकती थी जब तक कि आपके पास बड़ी आर्मी ना हो, और बड़ी आर्मी तब हो सकती थी जब आपके पास पैसे हो, ऐसे हो और जी। पैसों की ने हर हर वक्त जरूरत पड़ती रहती थी बादशाह को, और पैसों का एक ही सोर्स था कि बादशाह के पास थे, वो टैक्सेस थे। अवाम जो थी, और दूसरी तरफ दो तबका थे, एक अशराफिया का तबका था और दूसरी तरफ अवाम का तबका था, दोनों तबकात ने अपना रोल अदा किया। अशराफिया का ये था कि आप हमसे टैक्स लें, लेकिन आप हमें नुमाइंदगी भी दें, सही और जो अवाम का तबका था वो ये कहता था आप हमसे टैक्स लें, लेकिन साथ में ना ये लॉ एंड ऑर्डर और इस तरह की चीजें हैं ये भी हमें दें ना, ये मुफ्त में आप नहीं ले सकते ना टैक्स। तो बादशाह को, जैसे मैग्ना कार्टा है और जो दूसरे हैं, बादशाह को ना एक ट्रेड में आना पड़ा, उसने कहा कि भाई मैं आपसे टैक्स लूंगा और उसके बदले में आपको नुमाइंदगी भी दूंगा और पब्लिक गुड्स भी दूंगा। तो ये ट्रेड जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई, और जब बादशाह को ज्यादा टैक्स लगाने पड़ते थे तो ज्यादा रिप्रेजेंटेशन का मुआहदा आता था। लेकिन सबसे पहले ये जो नारा था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये यूनाइटेड स्टेट में लगा था, और उस जी वक्त जो था, जो यूके था, वो बेसिकली उसने कब्जा किया हुआ था ना यूनाइटेड स्टेट कॉलोनी पे, थी, ब्रिटिश तो कॉलोनी थी या कॉलोनी थी, बिल्कुल ब्रिटिश कॉलोनी थी। तो लोग जब ब्रिटिश कॉलोनी के खिलाफ उठ खड़े हुए तो उनका ये नारा था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो इस नारे की फिर गूंज जो है ना ये मजीद बढ़ती गई बढ़ती गई, और जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं उनमें इसने बहुत अहम रोल प्ले किया है, जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर। लेकिन जो हिस्टोरिकल एनालिसिस मौजूद था वो 4-5 कंट्रीज के अंदर मौजूद था, लेकिन इसको ना ब्रॉडली किसी ने नहीं स्टडी किया था, और ना ही इसको ना इम्पीरिकली स्टडी किया गया था हिस्टोरिकल एनालिसिस में, ज्यादातर थ्योरेटिकल एनालिसिस में। तो मेरी जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि मैंने इसको इम्पीरिकली टेस्ट किया है कि डाटा की मदद से, सारी जमहूरियतों का डाटा लेके और उसमें देखा है कि अगर टैक्सेशन में इजाफा हो रहा है तो क्या डेमोक्रेसी में भी इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये मेरी कंट्रीब्यूशन है। बहुत और इसके अलावा जमहूरियत का जो करंट मॉडल भी जो मौजूद है वो ये कहता है कि जमहूरियत का मुतालबा सिर्फ अवाम से नहीं होता, अशराफिया से भी होता है। अगर अशराफिया का मफाद मौजूद है तो वो जी जमहूरियत का मुतालबा है। और फिर अशराफिया की बहुत सारी टाइप्स हैं, तो ये समझा जाता है कि जो मॉडर्न अशराफिया है वो जमहूरियत को पसंद करती है, और जो रिवायती अशराफिया है, जो फ्यूडल अशराफिया है, वो जमहूरियत को नहीं पसंद करती। तो उसमें फिर बहुत सारे मुबहस मौजूद हैं। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक सवाल हमारे जो मजहबी फिक्र है उसमें भी जेरे बहस आता है कि क्या, मैं पिछले दिनों कुछ उस पर पढ़ रहा था कि क्योंकि हमारी जो क्लासिकल फिक है या दीनी इल्म मईशत है उसमें तो गवर्नमेंट को ज़कात ही लेने का बुनियादी तौर पर हक था, या अगर जंगें हुई हैं तो गनीमत और माल फै वगैरह। लेकिन जब जदीद
रियासत के तनाजुर में हमारे अहले इल्म बात करते हैं, तो उनके सामने ये सवाल है कि ज़कात से जदीद रियासत के जितने अखराजात हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो ज़कात से तो पूरी नहीं होती, तो क्या उसको जी टैक्स लगाने का इख्तियार होना चाहिए या नहीं। तो बहुत से उसमें आ रहा है, तो मिसाल के तौर पर जो हमारे उस्ताद भी हैं और मारूफ स्कॉलर भी हैं, जावेद अहमद गामदी साहब, तो उनकी इस तरह से कोई राय है कि बेसिकली तो रियासत को ज़कात पर ही इक्तफा करनी चाहिए और इससे ज़्यादा उसको तजावुज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर लोगों की रजामंदी हो तो लोगों की रजामंदी से वो उन पर टैक्स लगा सकती है, और रजामंदी की शक्ल बाहर ही लगता है कि जदीद दौर में वो नुमाइंदगी है और जमहूरियत की बुनियाद। तो इसमें एक सवाल, चाहे हम मजहबी जाविये से देखें या जमहूरियत के जाविये से, सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या महज नुमाइंदगी से लोगों की रजामंदी की जो शर्त है वो वाकईतन पूरी हो जाती, यानी हमारे मुंतखब नुमाइंदे अगर एक टैक्स मंजूर करें कि हाँ ये लगा दिया जाए, तो क्या उसका मतलब ये बनता है वाकईतन के लोग जिन पर टैक्स लगाया जा रहा है वो भी ये देने पर रजामंद? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। और हम इकोनॉमिक्स के लोग ना, हम कहते हैं कि कोई भी चीज होती है ना, वो उसमें ट्रेड शामिल होती है। ऐसा नहीं होता कि मुतालबा एक तरफ से हो और दूसरी तरफ से मुतालबा ना हो। अब अगर नुमाइंदे भी अवाम से अगर मुतालबा करेंगे कि आप टैक्स दें, तो अवाम की तरफ से भी मुतालबा आएगा, टैक्स पेयर की तरफ से भी मुतालबा आएगा। ये बदले पहली में हमें आपकी क्या बात ये, देंगे? जी हाँ, बदले में आप हमें क्या देंगे? अच्छा, पहली बात यह है कि जो गांधी साहब ने कहा, ये जो क्लासिकल ट्रेडिशन के जो इकोनॉमिस्ट थे वो भी यही कहते थे कि रियासतों को ना बहुत महदूद होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, और थोड़े टैक्स होने चाहिए, और हुकूमतें बड़ी नहीं होनी चाहिए कि हर मामले में ना टांग अड़ाते फिरें। जी लेकिन ये जो पिछली सदी गुजरी है उसमें बहुत सारी चेंजेस आई हैं, और उनमें एक ये है कि अवाम की तरफ से, और देखिए अवाम में भी बहुत सारे ग्रुप्स मौजूद हैं। एक मिडिल क्लास का ग्रुप है, एक लोअर क्लास का ग्रुप है, और एक अपर क्लास का ग्रुप है, और इनके मुतालबे भी मुख्तलिफ है। अपर क्लास अब भी यही चाहती है कि टैक्सेस बहुत कम। मिडिल क्लास, जो वर्किंग क्लास है, जो जॉब करती है, वो चाहती है कि टैक्सेस कम हो। लेकिन जो जॉब करती है और उनकी आमदनी कम है, वो कहती है कि नहीं, टैक्सेस ज्यादा हो क्योंकि हमें वेलफेयर प्रोवाइड हो। और लोअर इनकम कहती है कि हमें वेलफेयर चाहिए, तो टैक्सेस ज्यादा। और ज्यादा होने चाहिए, सही है। अक्सरियत उनकी होती है कि जो लोअर क्लास है, तो फिर वो मुतालबा करते हैं कि आप हमें इनकम सपोर्ट दें। रियासत ऐसे नहीं है कि सिर्फ साइड पे बैठ जाए। और दूसरी तरफ से फिर इकोनॉमिस्ट ने ये कैलकुलेट किया है कि देखें, अगर आप लोअर क्लास के मुतालबे नहीं पूरे करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, और वो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे वो अपर क्लास के लिए भी नुकसानदेह हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर खराब है, या आपके पास एक वर्किंग बेचैनी फोर्स आ होगी, रही है, बेचैनी बेचैनी होगी, होगी। कुव्वत खरीद कम जी हाँ, होगी वगैरह। बिल्कुल। और दूसरा, आपके पास जो वर्किंग क्लास आ रही है वो लेस लेस एजुकेटेड है, और हेल्थ उसकी अच्छी नहीं है, तो आपके पास इनोवेटिव वर्किंग क्लास नहीं आएगी। तो भाई, अगर टैक्सेस ज्यादा होंगे और वेलफेयर पर खर्च होगा, तो वर्किंग क्लास भी अच्छी होगी, कंजम्पशन भी अच्छी होगी, वगैरह वगैरह। तो अब वो दौर नहीं रहा कि हम लेस टैक्सेशन पर बात करें। दौर ये आ गया है कि अब ट्रेड अच्छा होना चाहिए, कि अगर आप टैक्स लगा रहे हैं तो उसके बदले में आप पब्लिक गुड्स और आवाम को वेलफेयर भी अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं। आप टैक्स लगा रहे हैं और आवाम को कुछ नहीं मिल रहा, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी का लिटरेचर कहता है कि उससे ना वॉयलेंस क्रिएट होता है, और विलिंगनेस टू पे टैक्स कम होती है, लोग फिर टैक्स नहीं देते, टैक्स चोरी की तरफ जाते हैं। जी ठीक, ये समझ में आती है बात कि कैसे इकोनॉमिस्ट इसको कैसे देखते हैं। अच्छा, आपकी एक किताब कुछ साल पहले छपी थी और मैंने उस वक्त उसको पढ़ा भी, कुछ काफ़ी उससे चीज़ें सीखी भी, और उस वक्त कुछ शुक्रिया। ख्याल भी था कुछ इस पे एक रिव्यू लिखूं या कुछ सवाल, लेकिन वो फिर मौका नहीं मिला, तो चलें आज उससे फ़ायदा उठाते हैं। हाँ, वो बुनियादी तौर पर जो आपका अपना जहनी सफ़र है कि आप पहले इस्लामी सोशलिज्म से या सोशलिज्म की जो थेरी है उससे मुतासर थे कि हाँ एक मुनसिफाना मुआशरा बनाने के लिए सोशलिस्ट जो फिलॉसफी है वो मददगार है, लेकिन फिर जब आपने सरमायादारी निज़ाम का वो कैसे काम करता है
और इसका मुताला किया तो फिर आपको समझ में आया कि ये ठीक नहीं है। बिल्कुल और जो उसके आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आपकी उस किताब में बिखरे हुए हैं, और बुनियादी तौर पर वो एम्पिरिकल हैं। मुझे यहाँ तक जी याद है कि आपने मुख्तलिफ मुल्कों की मईशत का मुताला करके और मवाद की रोशनी में बताया कि एम्पिरिकली ये पता चलता है कि वो माशरे पहले किस हालत में थे, लेकिन फिर जब वो फ्री मार्केट उसमें आए तो कैसे उनके हालात बदल गए। जी अच्छा, ये इस हद तक तो बात पूरी तरह समझ में आती है। कुछ उसमें ऐसी चीज़ें थी जो सवालात पैदा हुए, लेकिन शायद ऐसा लगा कि आपने उनको उसमें एड्रेस नहीं किया, और शायद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़ाहिर है एक मजहबी नुक्ता नज़र से वो सवाल पैदा होता है। जैसे उसमें आपने ये कहा कि ऐसे ऐसी चीज़ें, ऐसे मामलात जो मजहबी लिहाज से शायद गैर अखलाकी हों या उनकी इजाज़त ना हो, लेकिन जो लिबरल इकोनॉमिक्स का नुक्ता नज़र है फलसफा, उसमें उनको आपको लेना पड़ता है, कि वरना अगर वो आप ना लें तो उनकी इजाज़त ना दें तो वो मईशत पर उसके असरात मनफी पड़ते हैं। ठीक अच्छा, है जी तो एक मजहबी नुक्ता नज़र से सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसमें, इस इकोनॉमिक थ्योरी में इसकी कोई जगह या गुंजाइश बन सकती है, या बिल्कुल नहीं है कि जिन चीज़ों को आप एथिकली समझते हैं कि वो ठीक नहीं है, चाहे उनसे कोई मजमूई तौर पर मईशत को कोई फ़ायदा होता हो, लेकिन आप उनको अखलाकी बुनियादों पर या मजमूई माशरे की मसलहत की बुनियाद पर उनको उनकी इजाज़त न दें, तो मजहबी लिहाज से तो दायरा मौकफ अपनी एक बुनियाद रखता है, लेकिन आप एक इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं ये कि बहुत ही वैसे दिलचस्प सवाल है। उसकी एक वजह ये भी है कि मैंने काफी अच्छे से ना इसको सोचना खत्म छोड़ दिया। किया और छोड़ दिया मैंने था। असल और में दूसरी सवाल बात काफी ये लेट कि पूछा, मैं भी 5-6 साल पुरानी जी किताब और दूसरी बात ये कि जब मैंने वो किताब लिखी थी उस वक्त मैं तस्लीम करता हूँ कि मुझे ना ड्राफ्टिंग नहीं आती थी। वो मुझे मुझे पीएचडी ने सिखाई है कि भाई आप थीसिस कैसे क्रिएट करते हैं। जी वो मैंने क्योंकि उस वक्त कॉलम वगैरह लिखता था, चंद मजामी लिखता था, तो वो चीजें ना बहुत बिखरी हुई शक्ल में फिर उसमें प्रेजेंट हुई है। मैं भी पाकिस्तान में था तो एक दोस्त चाहते थे तो उसका अगला एडिशन जो है ना पब्लिश हो, या किसी और जगह से एक और पब्लिशर चाहते थे। तो मैंने कहा कि भाई पीएचडी के बाद जब ये चीजें खत्म होगी तो मैं उसको ना रिवाइज करना चाहूंगा, नहीं। और कुछ चीजें कि जो मेरे थीसिस से रेलिवेंट नहीं है मैं उनको ना निकालना चाहूंगा। अच्छा, जो दूसरी चीज है वो ये है कि जो आपने सवाल पूछा, हम इकोनॉमिक्स के अंदर हम किसी जो जो जदीद इकोनॉमिक्स है हम ये समझते हैं कि जो एथिक्स है वो हम वर्ड यूज करते हैं कि एग्जोजेनस नहीं होती है। एथिक्स बाहर से ऊपर से नहीं आती, बाहर से नहीं आती। हम कहते हैं कि एथिक्स मार्केट की वो एंडोजेनस होती है, वो मार्केट के अंदर डिवेलप होती है और सही। लोगों के ना इंट्रैक्शन से डिवेलप होती है। मिसाल के तौर पर मैं यूके में अगर कोई चीज खरीदने जाऊं किसी शॉप से और मैं जाकर उठाऊंगा और आ जाऊंगा, मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार इसकी क्वालिटी कैसे होगी। लेकिन अगर वैसे वैसी ही कोई चीज मैं पाकिस्तान से खरीदूं तो मुझे एक तरह से ना खौफ लाहक होगा कि पता नहीं जो ब्रांड पे लिखा हुआ है जो क्वालिटी, वाकई मुझे वो क्वालिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही। अब ये एथिक्स जो है ये सोसाइटी के अंदर डिवेल्प हुई है, तो बाहर से नहीं डिवेल्प हुई। पाकिस्तान के अंदर भी जो एथिक्स डिवेल्प हुई है वो अंदर डिवेल्प हुई है, बाहर नहीं, बाहर से नहीं डिवेल्प हुई। हम ये समझते हैं कि जो लोगों के का जो ताल्लुकात होते हैं उससे जो एथिक्स डिवेल्प होती है उसमें हमें कोई बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं करनी चाहिए किसी भी किस्म के एथिक्स को, तो ये एंडोजिनस है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो ना जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल से मुतालिक है, तो भाई उसके बारे में क्या किया जाए। तो मैं जाती तौर पर किसी भी ऐसी प्रोडक्ट के खिलाफ नहीं हूं कि जो बायर खरीदना चाहता है और सेलर उसको प्रोवाइड कर सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि यूके के अंदर, यूरोप के अंदर, वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर एक काफी अरसे से ना एक बहस रही है। हमारे यहाँ अल्कोहल से मुतालिक बहस है, यहाँ बहस रही है ड्रग्स से मुतालिक।
कि सही ड्रग्स का क्या किया जाए, लोग तो पीना चाहते हैं। जी और दूसरी बात यह है कि इन्होंने दो चीजें ऑब्जर्व की हैं, इसी वजह से बहुत सारे कंट्रीज के अंदर ड्रग्स अलाउ कर रहे हैं वो। एक चीज उन्होंने ये अलाउ की, उन्होंने देखा है कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं, अब जो कुछ भी कर लें उन्होंने खरीदनी है, और उन्होंने इनफॉर्मल मार्केट से खरीदनी है। आप अगर फॉर्मल मार्केट पे पाबंदी लगा दें तो इनफॉर्मल, मैं आपको मिसाल दूंगा, एक जिस यूनिवर्सिटी ब्लैक में, मार्केट वजूद में आ जाएगी। जी हाँ, एक और ब्लैक मार्केट वजूद में आ जाए, कि मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग आपस में हंसते हैं कि फ्राइडे और वेनसडे की रात को ये हर तरफ ना वीड की स्मेल होती है, और लड़के लड़कियां कोई वहां गिरा पड़ा होता है, कोई वहां गिरा पड़ता होता है, पी रहे होते हैं बैठ के। जी और यूनिवर्सिटी कितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, कोई कुछ नहीं कहता कि यार आप साइड पे बैठे हो, आप पी रहे हो, आप किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं। तो इन्होंने एक चीज ये देखा है कि इनफॉर्मल मार्केट के अंदर, दूसरा उन्होंने ये देखा है कि इनफॉर्मल मार्केट के अंदर वो लोग वजूद में आ जाते हैं कि जो जिनका किरदार ठीक नहीं होता, जी जो मतलब ड्रग डीलर्स हो गए या जो इनफॉर्मल मार्केट में काम कर सकते हैं, तो उससे एक तरह से वायलेंस क्रिएट होता है। तीसरा इन्होंने ये चीज देखी है कि इससे ना बहुत सारा जो रेवेन्यू है उसका नुकसान है, कि गवर्नमेंट टैक्स ले। और चौथी चीज ये है उन्होंने देखा है कि क्वालिटी पे चेक नहीं होता, लोगों को ड्रग प्रोवाइड की जा रही होती है, लोगों को नहीं पता होता कि ये वाकई सही ड्रग है या लेबल कुछ और है और अंदर कुछ और, हम पीने के बाद नेगेटिव इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ये चार इन्होंने कहा कि अगर हम लीगल करते हैं तो कम अज कम क्वालिटी पे तो चेक आ जाएगा ना, कम अज कम जी हमारे रिकॉर्ड में आ जाएगा, कम अज कम जो डॉक्टर होगा उसके पास चले जाएगा। फिर उन्होंने कुछ इम्पीरिकल इन्वेस्टिगेशन किए, इन्होंने देखा है कि लीगल करने से पहले और लीगल करने के बाद कोई नुमाया फर्क इस तरह से नहीं आया कि लोग ज्यादा ड्रग पीने लग गए, बल्कि ड्रग पीने वालों की शराब में कमी आई है, क्योंकि ड्रग्स में एडवेंचर खत्म हो गया, कि शो ऑफ करना खत्म हो गया कि भाई मैं ड्रग पी रहा हूँ, देखो मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ, और आपको मेरी कहीं पे भी रसाई गिर, है, मेरी रसाई। मेरी रसाई है। अच्छा जी, पाकिस्तान के अंदर भी मैंने ये देखा है कि अल्कोहल से मुतालिक एक तो इनफॉर्मल मार्केट में मौजूद है, कोई भी जगह पाकिस्तान में ऐसे नहीं है कि यहाँ जहाँ ये दावा हो कि यहाँ नहीं मिल सकते, बहुत आसानी से दस्तियाब। अच्छा जी दूसरी चीज ये है कि बहुत महंगी बिक रही है, तीसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट कोई रेवेन्यू नहीं ले रही, चौथी चीज ये है कि अगेन क्वालिटी पे चेक नहीं है, पांचवी चीज ये है कि इनफॉर्मल मार्केट के अंदर वो लोग ये सेल कर रहे हैं कि जिनका जिनका किरदार ठीक नहीं है, यानी आप जराइम उनसे पेशा कुछ लोग भी आ जाए एक्सपेक्ट कर ना। सकते। हाँ, जराइम पेशा जी लोग हाँ, आ जाए जरायम पेशा। लोगों को। और और छठी देखो, चीज मनी ये है कहाँ कि इस्तेमाल ये होगी, एडवेंचर, वो मनी कहाँ यूज होगी, ये भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और छठी चीज ये है कि ये एडवेंचर का सबब बन गए, लोग शो ऑफ करते हैं कि यार मेरे पास ब्रांडेड मौजूद है तो मैं बड़ा पावरफुल हूँ, मेरे बड़े ताल्लुकात हैं। तो मेरे ख्याल में मतलब ये चीजें जो हैं, हम इकोनॉमिक्स में इन चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान रखते हैं, और इखलाकियात हमारा बकायदा से मौजूद इस तरह से नहीं होता है कि भाई जैसे एक मजहबी नुकता नजर होता। जी, मैं कह रहा हूँ वो वही समझना चाह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक्स के लोग हैं, वो जो अपने इल्म के उन्होंने तय किए हैं हुदूद और पर, उसमें वो कैसे इसको देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें जी हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल से ज़्यादा अहम है। बाकी बिल्कुल उसको कोई और थियरी होगी तो उसको फिर इन चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा कि ये क्या बिल्कुल चीज़ें हैं और बिल्कुल उनको। ठीक है। अच्छा, एक मैंने आपसे मैं ख्याल में आपको सवाल भेजा भी था, वो मैं वो उस पर अगर थोड़ी आप रहनुमाई करें कि जदीद मईशत पे या सरमायदारी मईशत पे, ज़ाहिर है 20वीं सदी में इस्लामी मईशत के उन्वान से बहुत कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर लिखा गया है तो वो सूद है, ये फ़र्क करने वाली चीज़। कैपिटलिज्म बाकी सारा तकरीबन ठीक है। कुछ ये जो अभी हम बात कर रहे थे, ऐसी चीज़ें जो अखलाकी लिहाज से मुजर हैं उनकी इजाज़त को दे देता है, इस पर कुछ इख्तलाफ है, लेकिन बड़ा इख्तलाफ सूद है। जी हाँ जी जी अच्छा, मुझे एक तालिबे इल्म के तौर पर जब थोड़ा बहुत ये चीज़ें पढ़ने का मौका मिला, अब भी मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि सूद तो एक मामला है ही मजहबी नुक्ता नज़र से, लेकिन एक चीज़ जो बिल्कुल हमारे मजहबी लिटरेचर में मौजू बहस नहीं बनी या उस पर बात नहीं की गई, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो जिस तरह के नुकसान या जिस तरह के
पेचीदगियां सूत से हमें बताई गई हैं इस जखीरे में कि ये पेचीदगियां पैदा होती हैं, शायद उससे ज्यादा पेचीदा है वो चीज, और वो है ये मस्नूई जर गवर्नमेंट के पास, रियासत के पास ये अख्तियार, और इस तरह बैंकों के पास कि वो एक चीज मस्नूई तौर पर तख्लीक कर सकते हैं और उससे एक हकीकी जर जैसा काम ले सकते हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि ये एहसास या मेरा नहीं सवाल बजा बनता है या नहीं ये बहुत बहुत अहम सवाल अच्छा है। सूद से मुतालिक तो मैं चाहूंगा कि किसी दिन हम तफसील से इस पे अलग से बात बात करें। करें। ठीक है ठीक है, जी हाँ मैंने सिर्फ जी हाँ उसका यहाँ बैकग्राउंड के तौर पे हवाला दिया, उस पर अलग से भी जी हाँ बात। जी हाँ जी बिल्कुल सर। जहां तक मस्नूई जर की बात है, अच्छा यहाँ भी जो फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट है वो भी हुकूमत पर तनकीद करते हैं कि ये प्रिंटिंग मनी वाला काम नहीं होना चाहिए, कि जी आप किसी भी वक्त दौलत तख्लीक करते हैं। दौलत तख्लीक होनी चाहिए, ना कि शायद प्रिंट होनी चाहिए, हाँ जो जो कैपिटलिज्म कहता है। जी लेकिन और इसी वजह से कि जो फ्री मार्केट थिंकर हैं, जैसे मिल्टन फ्रीडमैन है, वो बेसिकली मॉनिटरी पॉलिसी में उनका बहुत बड़ा नाम है, उनको नोबेल प्राइज भी इसी वजह से मिला था। उन्होंने कहा था कि अच्छा, आपको नोट प्रिंट करने की तो जरूरत है, क्योंकि हर साल कुछ आपकी करेंसी जाया हो जाती है कुछ दीगर असबाब से। लेकिन वो चाहते थे कि उसके ना एक फिक्स शरह आप रख लें साल में, कि मैं हम 1% शाये करेंगे, 2% शाये करेंगे, और जो पार्लियामेंट है वो पाबंदी लगा दे कि भाई साल में 2% से ऊपर नहीं हो सकती प्रिंट, एक सही परसेंट से ऊपर नहीं है प्रिंट हो सकती। लेकिन अगर हुकूमतों को, खासतौर पर सेंट्रल बैंक को, ये इख्तियार दे देना, क्योंकि सेंट्रल बैंक भी जो जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनके कहने पे नोट प्रिंट करता है, तो उनके ये सॉरी फाइनेंस मिनिस्ट्री के कहने पे नोट प्रिंट करता है, तो ये जो जिस वक्त उनको जरूरत पड़ रही है वो प्रिंट कर रहे हैं, और जिस वक्त जरूरत नहीं पड़ रही वो नहीं कर रहे, तो ये उनके ख्याल में ये ठीक नहीं था। लेकिन जो मॉडर्न सेंट्रल बैंकिंग है वो ये वो इस थ्योरी पे मबनी है कि जब इकोनॉमी क्राइसिस में जाती है तो आपको इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए मनी को सप्लाई देनी मनी सप्लाई देनी पड़ती है, और मनी जी सप्लाई उस वक्त मुमकिन है कि जब आप नोट प्रिंट कर सकेंगे। तो इसमें काफी सारा जो प्योर, मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि प्योर कैपिटलिस्ट जो थिंकिंग है वो हुकूमतों को ये नहीं ज्यादा देती, और कहती है कि जब हुकूमतें, जब उनके पास टैक्स कम हो तो वो रिफॉर्म की तरफ जाएं, और जैसे मैंने आपको बताया कि रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाएं और देखें कि लोग टैक्स क्यों कम हो रहे हैं, मार्केट कैसे बेहतर हो सकती है, उस तरफ जाए, ना कि पैसे प्रिंट करके बैठ जाए जैसे पाकिस्तान के अंदर होता है। जब जी इनको पैसों की जरूरत होती है ये रिफॉर्म्स की बजाय ये पैसे प्रिंट करके बैठ जाते हैं, फिर कर्जे बढ़ते हैं, और जी पैसे प्रिंट करने का बहुत ज्यादा नुकसान भी है। मैं ज़ाती तौर पर भी पैसे प्रिंट करने का हामी नहीं हूँ। एक नुकसान ये है कि उससे मस्नूई फिर महंगाई पैदा होती है। दूसरा नुकसान ये है कि भाई ना, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इन्वेस्टर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि फ्यूचर के अंदर कितनी कितनी मनी सप्लाई मार्केट में मुमकिन है। जी जी और जो तीसरी चीज है कि बहुत ज्यादा पावर जो है वो सेंट्रल बैंक के पास और फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास चली जाती है, और वो पावर जो है वो बाद औकात जो लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज हैं वो उनको इग्नोर करके शॉर्ट टर्म की पॉलिसीज की तरफ चले जाते हैं। तो इसके बहुत सारे नुकसान हैं, जिस काफी सारे इकोनॉमिक्स में बात हो चुकी है, तो मैं खुद भी प्रिंटिंग जो नोट्स हैं उनका हामी नहीं, और आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। नहीं, मैं तो समझना चाह रहा था क्योंकि तो मेरी मैं तो कोई इस पोजीशन में नहीं हो कि कोई इसमें राय दे सकूं, या मैं समझना चाह रहा था। मुझे लगता है कि ये यानी सूद पे सारी गुफ्तगू मजहबी लिहाज से वो ये है ना कि उससे नाइंसाफी होती है या किसी पर जुल्म होता है, तो मुझे ये लगा कि देखने से कि इससे ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा होती, इससे मतलब एक आम आदमी ने मेहनत करके कुछ कमाया है लेकिन वो मस्नूई जर बनाने से उस वो कीमत वैसे ही बैठे बैठे ख़त्म हो गई आपके 100 रुपये जी हाँ 50 रुपये, तो ये ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। और बिल्कुल फिर मुझे बिल्कुल हैरत हुई कि मजहबी जो फिक्र है वो इसको इस तरह से बिल्कुल नहीं देखती। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ वो यानी सूद चूंकि एक स्क्रिप्चर में आई है चीज़ तो उसमें हसास है, लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और भी चीज़ें हैं जिनको शायद जी हाँ जी गौर हाँ करने की जी ज़रूरत। हाँ जी हाँ जी हाँ और मैंने ये देखा है कि सूद के मामले में भी जो कैपिटलिज्म की थिंकिंग है, जो फ्री मार्केट की, और जो मजहबी थिंकिंग है, उसमें भी काफी फर्क नहीं है।
क्योंकि जो फ्री मार्केट की थिंकिंग है वो भी कहती है कि भी जस्टिस, इंसाफ होना चाहिए। और इंसाफ ये है कि भी मिसाल के तौर पर आपके पास आज 100 रुपए हैं और महंगाई पैदा हुई है 5%, और जी अगले साल आपके पास जो 100 रुपए हैं उनकी वैल्यू 95 रुपए होगी, ऐसे है जी ना। जी जी तो कैपिटलिज्म कहता है कि इंसाफ ये है कि आपको 100 रुपए मिले, तो आपने बैंक को अगर 100 रुपए रखे हैं तो अगले साल वो आपको 105 दे, तो जो 5% महंगाई हुई है वो आप वो बैलेंस हो सके। जी दूसरी तरफ ये कहता है कि आप कुर्बानी दे रहे हो, आपने 100 रुपए किसी को कर्जे में दे दिए और उसने इन्वेस्ट करके नफा कमा लिया। जी वो कहता है कि आपने कुर्बानी दे दी कि आपने नफा नहीं कमाया, दूसरे को दे दिया, अभी तुम खर्च करो। तो फिर इंसाफ ये है कि भाई आपने जो रिस्क उठाया आपको उसके बदले में मिलना चाहिए, कल को आपको पैसे ना दे तो वो कहता है आपने जो कुर्बानी दी और आपने जो रिस्क उठाया उसका भी आपको बदला मिलना चाहिए। तीसरा, समझ आपने एक और कुर्बानी दी, आज खर्च करने के बजाय आपने पैसे रख लिए कि मैं मुस्तकबिल में खर्च करूंगा, या अपने मेरे बच्चे खर्च करेंगे या मेरे बाद आने वाले खर्च करेंगे। आपने रखे 100 रुपये और 40 साल के बाद उन 100 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, तो आपके साथ इंसाफ ये होना चाहिए कि आपने 100 रुपये रखे और आपके बच्चों के पास वो 100 रुपये 100 रुपये ही मिले। तो इसमें भी वो काफी सारा, और दूसरी तरफ जब वो हम देखते हैं कि जो नॉन फ्री मार्केट के अंदर जो सूद है, मिसाल के तौर पर मैं अपने गांव जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि खाद की बोरी उठा के देते हैं और उसकी कीमत होती है 10,000 रुपये, और जी 6 माह के बाद जब फसल होती है तो किसान से 15,000 रुपये लेते हैं, और हमारे गांव के उलमा हजरात ने फतवा दिया हुआ कि ये तो तिजारत ये तो तिजारत है। और वो भी कहते हैं कि देखिए हमने खाद की बोरी जो है 10,000 रुपये दी और उसके बदले में हमने 15,000 की गंदम ले ली उनसे, तो हम कौन सा सूद ले। तो जी इनफॉर्मल मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा शरा है, मैंने गांव के अंदर देखा 50% लोग सूद दे रहे हैं, 40% दे रहे हैं, लेकिन वो उसको तिजारती शक्ल में बयान करके और एक तरह से ना उनके साथ वो जाती हालांकि है एक्सप्लॉयटेशन उसमें, आप कह रहे हैं कि एक्सप्लॉयटेशन उसमें ज्यादा। उसमें ज्यादा है। जी हाँ, ये जो पहली आपने वजह बयान की ना, वो तो खैर जो मुसलमान वो कहाँ हैं, उनके उनके माबैन भी जेरे बहस है कि इफ़रात ज़र से अगर करेंसी की वैल्यू कम हो गई है तो उसको बैलेंस करना, ये तो सूद में नहीं होना चाहिए, उसमें डिवाइडेड है। जी लेकिन बहरहाल एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ये है कि ये सूद में नहीं होना चाहिए, उसको उसकी कॉम्पनसेशन जो है वो उसको मिलनी चाहिए। जी अच्छा, अगरचे ये भी मेरे ख्याल में पाकिस्तानी मीशत की, मैं चाह रहा था कि उस पर भी आपकी इनसाइट या आपकी राय दी जाएगी, लेकिन वो ज़ाहिर है बड़ा मौजू है। लेकिन इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है, अगर आप सिर्फ उस तक महदूद रहते हुए, IMF से रुजू करना पड़ता है पाकिस्तान को अपनी सूरत हाल की वजह से, तो यहाँ पर भी एक आपको पब्लिक ओपिनियन में, खासतौर पर मजहबी हलकों में, उसका उसकी जो पॉलिटिकल साइड है वो आपको ज़्यादा छाई हुई नज़र आती है कि हम गोया उनकी शरायत मान रहे हैं, तो हमारी ज़ाहिर खुद मुख्तारी मजरूह हो रही है, और वो बहुत सी चीज़ें हमसे ऐसी चीज़ें मनवा रहे हैं, हमारी कौमी वक़ार मजरूह होता है, तो ज़ाहिर है पोलिटिकल आस्पेक्ट तो ये है। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट हैं वो मुझे कमोबेश सारे मुत्तफिक नज़र आते हैं कि नहीं, जो हमारी सूरत हाल है उसमें IMF से रुजू किए बगैर और एक अगले कुछ अरसे तक उसकी शरात के तहत इकॉनमी को मैनेज किए बगैर कोई रास्ता नहीं है। तो आप यानी मुख्तसर तौर पे कोई एक दो बुनियादी चीज़ें बता सकते हैं कि IMF प्रोग्राम से या उसकी रेगुलेशन से कौन सी चीज़ें हमारी इकॉनमी की ठीक होने का इम्कान है या उसके लिए ज़रूरत है, जो वैसे हम शायद नहीं कर सकते या नहीं कर पाएंगे। जी। अच्छा, पाकिस्तान में एक दिलचस्प बात है कि जब से वजूद में आया है कोई एक दो कोई कोशिशें हुई हैं, अदरवाइज कोई संजीदा इकोनॉमिक पॉलिसीज या रिफॉर्म्स की संजीदा कोशिशें नहीं हुई। शुरू शुरू में हुई थी, और जो क्रेडिट है वो अमूमन हम अयूब खान को उस गवर्नमेंट को दे देते हैं कि उन्होंने वाकई एक अच्छा पैकेज रिफॉर्म्स का इंट्रोड्यूस करवाया था। सही उसके बाद पाकिस्तान में दूसरा जो पैकेज था वो सोशलिस्ट रिफॉर्म का था, जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने दिया। गुड साहब, उसके बाद जब जियाउल हक के दौर के हिस्से में, मिडिल के बाद में, जो तीसरा पैकेज था वो ये था कि हम रिवर्स कर रहे हैं, हम वापस जाना चाहते हैं।
लेकिन वो जो सिलसिला था वो जियाउल हक से शुरू हुआ और 1999 तक चला, जब तक कि मुशर्रफ का ना मार्शल आने लगा, और ठीक उसके अंदर भी हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ गए, लेकिन वो प्राइवेटाइजेशन नहीं थी, वो असल में फेवर देना थी कि ना आप कुछ सेक्टर्स को फ्री कर रहे हैं और उसके बदले में फ्री करके आप उनको दे रहे हैं, बेच रहे हैं कि जो पॉलिटिकली जो आपके लिए जो मदद फेवरेबल दे सक लोग जी ठीक मदद दे सकते हैं, तो वो भी कोई बकायदा से इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं थी, उसको हम रेंट सीकिंग कहते हैं, रेंट सीकिंग की या करप्शन की किस्म थी जिसको प्राइवेटाइजेशन की शक्ल में पेश किया गया। जी मुशरफ दौर में कुछ सेक्टर्स में जो है रिफॉर्म्स हुई हैं, जैसे कि मतलब बैंकिंग सेक्टर को या टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को मतलब एक तरह से ना प्राइवेटाइज किया गया, जी लेकिन वो भी पूरा का पूरा जो उनका दौर था वो ज्यादातर फॉरेन एड के रिलायंस पे और उस पर खड़ा रहा। उसके बाद कोई संजीदा कोशिश नहीं हुई, कोई भी, चाहे नवाज शरीफ का दौर था या आसफ जरदारी का दौर था या इमरान खान का दौर था। अब जब IMF जब कर्ज देता है तो वो मुमालिक को देखता है कि दो तरह के मुमालिक होते हैं, उन एक में वो अनकंडीशनल कर्ज देता है और एक में वो कंडीशनल कर्ज देता है। अनकंडीशनल वहां देता है कि जब ऑलरेडी रिफॉर्म्स हो रही है, वो आपसे ज्यादा से ज्यादा ये कहेगा कि भाई ना आप ये जो रिफॉर्म कर रहे हैं तो ये मार्केट के मुताबिक नहीं है, ये हमारी ये एडवाइस है, आप थोड़ा सा इसको देख लें, बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सही लेकिन जहां रिफॉर्म्स ना हो रही हो तो वो खुद रिफॉर्म लेके आता है कि पैसे आपको तब मिलेंगे जब आप रिफॉर्म, और ये मेरा पैकेज है। जी मैं खुद उसके उस पैकेज की, क्योंकि वो वन मॉडल फिट्स फॉर ऑल है, मैं उसका हामी नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हामी नहीं, अक्सरियत इकोनॉमिस्ट की हामी नहीं है, लेकिन IMF के पास इतनी जो है ना वो नहीं है, मतलब इफरादी कुवत नहीं है कि भाई वो हर कंट्री के लिए पूरे के पूरे इकोनॉमिस्ट के ना ग्रुप बिठाए जो हर कंट्री के लिए अलग 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 पैकेज बना उनके के दे। एनालिसिस करवाए और फिर अलग अलग। हाँ ठीक बिल्कुल, तो उन्होंने ना एक पैकेज बनाया, वो तकरीबन हर मुल्क को ना वो कहते हैं कि ये पैकेज है आप ये फॉलो करें, अंदाज आप अपना रखें अपनी मार्केट के मुताबिक, लेकिन आप ये करें। तो एक ये है कि मार्केट को ना प्राइवेटाइज करें, दूसरा ये है कि अपने खर्चे कम करें, तीसरा ये है कि नॉन प्रोडक्टिव अखराजात कम करें, कम चौथा करें ये है कि तालीम सेहत पर अपनी आवाम पे खर्च करें, आपके टैक्सेशन में इजाफा हो, ये हो वो हो, इस तरह की चीज है, लेकिन करना आपने होता है कि अच्छा हम टैक्स इजाफा करें तो इस तरह से हम करेंगे, अच्छा हम खर्चे कम करें तो यहाँ से खर्चे कम करेंगे, वो आपको फोर्स नहीं कर, तालीम और सेहत पर खर्च करें तो हम इस तरह से करेंगे, ये आपने खुद करना होता है। और इसी तरह वो करेंसी को आप फ्री करें तो ये आपने अपनी पॉलिसी खुद बनानी होती है। तो मतलब मैं ज़ाती तौर पर इस हवाले से समझता हूँ कि IMF जब पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं हो रही और IMF एक कंडीशन लगा रहा है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो, अगर हमारे पास अच्छा पैकेज होता तो हम पहले ही उनको कन्विंस कर चुके होते कि देखिए हम खुद कर रहे हैं ना रिफॉर्म, जब जी हम खुद ही नहीं कर रहे करते से तो IMF से ये शिकवा कि वो वो डिमांड हमें चाहता है करें। कि आप रिफॉर्म करें तो ये गलत है। ठीक है, हमारा वक्त तकरीबन जो आपसे मैंने लिया था पूरा हो रहा है, लेकिन छोटा सा इसमें अगर आप ऐड कर दें कि ये इसमें कितनी आप समझते हैं कि हकीकत है, या इसमें या कितना ये उनसे शामिल होता है कि IMF इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, लेकिन उसके पीछे बाज़ मुतालबात में या बाज़ रिफॉर्म्स के पीछे क्या वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है, या उसके पीछे जो बैन अक्वामी सियासत के फैक्टर्स कार फरमा हो सकते हैं या होते हैं? ये काफी ना अगर आप ये काफी थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, मुश्किल सवाल है। उस वजह से कि जो एम्पिरिकल एनालिसिस है जो हम देखते हैं, जो जब हम पेपर लिखते हैं हम तजियाती तौर पर देखते हैं कि जिन जिन लोगों को IMF ने जो है ना वो दिया कर्ज दिया तो उसके क्या पॉलिटिकल असबाब हो सकते हैं, तो हम एक प्रॉक्सी यूज करते हैं, वो ये है कि आप अमेरिका के तब इत्तेहादी हैं जब उसकी दो सूरतें हो सकती हैं, एक कि जब यूनाइटेड नेशन के अंदर वोट होते हैं तो आप उस ब्लॉक में बैठते हैं कि जो अमेरिका का ब्लॉक है कि नहीं, हम उसको प्रॉक्सी को यूज करके हम देखते हैं कि डाटा देखते हैं कि ये लोग अमेरिका को यूनाइटेड नेशन के अंदर वोट दे रहे हैं क्या, IMF के फंड इनकी तरफ जा रहे हैं इनको क्या, मिल रही है जी। हम देखते हैं कि कोई कोरिलेशन नहीं है, यानी इसमें कोई ताल्लुक नहीं नजर आता।
अच्छा फिर हम दूसरा ये देखते हैं कि अमेरिका के जो फौजी अलायंसेज हैं, नेटो नॉन नेटो, तो जो वो भी है कंट्रीज के जो अमेरिका के जो अलाय हैं, क्या उनकी तरफ जा रहे हैं? तब भी हमें कोई कोरिलेशन नहीं नजर आता। हम अच्छा एक तीसरी चीज देखते हैं, हम कहते हैं कि फॉरेन एड अमूमन उस उन ममालिक की तरफ जाती है कि जो आपके ना जो पास्ट के ना कॉलोनीज थी, जैसे यूके प्रेफर करता है कि अपने कॉमनवेल्थ में कंट्रीज को उनको देने दे की, फ्रांस जी अपने पास्ट की कॉलोनीज की। हम ये देखते हैं कि जो वेस्टर्न कॉलोनीज हैं जो रह चुकी हैं, जैसे फॉरेन एड मूव करती है, तो क्या ये IMF के कर्जे भी उसी तरफ मूव कर रहे हैं? तब भी हमें नहीं नजर आता। तो इम्पीरिकली कुछ लोगों को पेपर्स में नजर भी आया है, लेकिन जो ज्यादातर इकोनॉमिस्ट की जो तहकीक है वो कहती है कि कोई कोरिलेशन कोई नहीं, रिलेशन कोई बाहमी ताल्लुक लेकिन जब नहीं। बाहमी ताल्लुक नहीं, लेकिन जब हम मुबाहस पढ़ते हैं पेपर्स के अंदर जिसमें कोई तजियाती मुताला नहीं होता, सिर्फ मुबाहस होता, तो वहां हमें लगता है कि भाई ना एक तरह से फेवर मौजूद है। लेकिन आपको दोबारा से कहूंगा कि मैं ज्यादातर तजियाती साइंस की तरफ हूँ, तो मैं उस तनाजुर में कहूंगा कि ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं जब आर्ग्यूमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे लगने लग जाता है कि हाँ है कुछ, तो इसी वजह से आप समझते हैं कि मैं कंक्लूडिंग रेटरिक पॉइंट आंसर पावरफुल नहीं दे होती सकता। है, रेटरिक पावरफुल जी है हाँ और जी हाँ जी वो कन्विंस करती। अच्छा जी हाँ जी हाँ तो अगर एक यानी देखे ना हमारे जैसे जो कलोनियलिज्म का शिकार माशरे रहे हैं और जाहिर है उसके असरात अच्छे बुरे दोनों तरह के, तो एक बड़ा कॉमन सेंस का सवाल हमारे यहाँ लोगों में पैदा होता है कि अगर IMF या इस तरह के जो इदारे जो पसमानदा या तरक्की मुल्कों को सपोर्ट करते हैं, अगर उसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडाज नहीं है, तो क्या ये माना जा सकता है कि वो बिल्कुल ही हमारे जैसे मुल्कों की या माशरों की खैरख्वाही के लिए या उनकी हमदर्दी के लिए ये सारा डोल आउट करते हैं, या उसको हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें वो क्या समझते हैं कि उनके लिए क्या फ़ायदा इकोनॉमिकली, चलिए पॉलिटिकली हाँ, ना ये से। बहुत अहम सवाल, जी ये बहुत अहम सवाल है। देखें कि जब ना दूसरी जंगे अजीम हुई थी ना, तो उसके बाद मुमालिक बैठे और पॉलिसी मेकर्स और जो दानेश्वर स्कॉलर्स बैठे, वो सब इस नतीजे पे पहुंचे कि तरक्की जो है ना कभी भी आप अपने मुल्क के अंदर क्रिएट नहीं कर सकते अगर आपके पड़ोसी मुमालिक के अंदर या दुनिया के अंदर तरक्की नहीं हो रही, क्योंकि आप मंडी पूरी दुनिया की कनेक्टेड है ना, जी तो जी आपको पूरी दुनिया की मार्केट के अंदर डिसिप्लिन कायम करना होगा, तभी जाकर आपकी मार्केट के अंदर भी डिसिप्लिन कायम हो सकता है। तो सही इस वजह से IMF और वर्ल्ड IMF को काम ही शुरू से ये दिया गया कि आपने मॉनिटर, आपने जो कंट्रीज हैं आपने उनको डिफॉल्ट नहीं होने देना, क्योंकि अगर एक कंट्री डिफॉल्ट कर गया तो उससे लिंक सारी दूसरे कंट्रीज भी डिफॉल्ट सारी कर दुनिया की सकते हैं, मार्केट पे उसके असरात पड़ेंगे। पूरी दुनिया की मार्केट पे असरात होंगे। इसी तरह यूनाइटेड नेशन इसलिए वजूद में आई थी कि भाई अगर एक मुल्क के अंदर बदअमनी है तो किसी फिर सारे मुल्क गैर महफूज हो जाएंगे, तो आपने अमन कायम करना। वर्ल्ड बैंक इसलिए वजूद में आई थी कि भाई आप जो है क्या कहते हैं, दुनिया के अंदर गुर्बत मौजूद है, ये चीजें मौजूद हैं, इनइक्वालिटी मौजूद है, तो उससे पॉलिटिकल असरात क्रिएट होंगे, और पॉलिटिकल असरात से आप भी नहीं बच सकते, कोई नहीं बच सकता, तो आप पूरी दुनिया के अंदर एक तरह से जो है जितना कुछ कर सकते हैं आप करें। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट इसलिए क्रिएट की गई थी कि दुनिया का जो मालियाती निज़ाम है उसको ना एक सेंट्रलाइज्ड एक एक फोर्स की जरूरत है जो उसको ना ऑर्गेनाइज करे। इसी तरह बहुत सारे इदारे और भी इस वक्त के साथ साथ वजूद में आए, जैसे एविएशन का इदारा वजूद में आया जो कैनेडा के अंदर उसका है, कि हम किसी एक मुल्क पर नहीं रिलाय कर सकते कि फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान से जहाज उड़ रहा है और पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई जहाज बिल्कुल जो है ना ठीक है और चेकलिस्ट के मुताबिक है, तो ऐसे मुमकिन है ना कि पाकिस्तानी कोई ब्यूरोक्रेट साइन कर दे, यहाँ आकर जहाज गिर पड़े और हमारे 40-50 बंदे मर जाए। तो जी कनाडा के अंदर एक इदारा वजूद में आया कि पूरी दुनिया का जो एविएशन का निज़ाम होगा वो इसके साथ कनेक्टेड होगा, ये लाइसेंस जारी करेगा तो जहाज उड़ेगा वरना नहीं उड़ेगा, नहीं तो ये सही एक तरह से पूरी इंटरनेशनल सिक्योरिटी कायम हुई। अब आप किसी भी जहाज में बैठे ना, आपको यकीन होता है कि यार खबर का ये यहाँ उड़ने की के काबिल है। ब्यूरोक्रेसी से आता। जी हाँ, उड़ने के तो काबिल इंटरनेशनल इदारे फिर इसी वजह से कायम किए गए थे कि एक तरह से कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन आसान हो, और दूसरा ये जो बदअमनी की कि किसी जगह ना क्रिएट हो, मालियाती मसाइल ना क्रिएट हो,
और देखें जो भी ममालिक जो बहुत अहम है, जैसे पाकिस्तान है, एक तरफ हमारे पास एटम बम है और दूसरी तरफ जो है इतनी बड़ी आबादी है, ये और आबादी तीसरी है। तरफ ये कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज इंपॉर्टेंट है। अब अगर एटम बम मौजूद है और अगर कोई सियासी बदअमनी पैदा होती है कि पूरी दुनिया मुतासर होगी, जी अब ऐसा अगर मुआशी होती है तो ये आबादी उठ के माइग्रेंट बनकर मुख्तलिफ ममालिक में जाएगी, वहां वहां गड़बड़ होगी, कौन हमें इतना संभाल सकता है। जी तो इसी वजह से ये इदारे कहते हैं कि चीजों को वहीं रोक दिया जाए ना, उसी घर के अंदर ही सॉल्व कर दिया जाए। तो 2 अरब 3 अरब अगर हमें देने पड़ जाते हैं IMF की शक्ल में और उससे मुआशी बेचैनी खत्म हो जाती है, तो ये बेहतर है बनिस्बत ये कि वो माइग्रेंट निकलें और बिलियन्स ऑफ डॉलर खर्च दुनिया के हो लिए मसला पर। या ये ठीक दुनिया के लिए मसला है। है ठीक है। अरे ये ठीक है, एक्सप्लेन हो रहा है कि वो क्योंकि दुनिया के एक तरह से चौधरी कौमें है ना, तो जी वो हाँ पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हैं, अपने ही मजमूई फायदे के लिए देख रहे हैं, लेकिन ये उनको भी सूट करता है कि ये इन ममालिक की मईशतें और सियासी चीज़ें जो है वो एक तरीके जी से हाँ जी हाँ बढ़ती रहे। जी हाँ इस वक्त जो सूरत हाल है और जो यानी उसका मुख्तसर बैकग्राउंड तो हम सारे सुनने वाले जानों को पता है कि कोल्ड वार के बाद जो एक सूरत हाल पैदा हुई थी जिसमें रशिया बज़ाहिर पसपा हो गया था और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही थी, तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद 20-30 साल में उस सूरत हाल में एक तब्दीली आई है और रशिया ने दोबारा अपने आप को जैसे भी जिस अंदाज से भी दोबारा खड़ा किया है और वो असर्ट भी कर रहा है। तो एक तो इसमें ये थोड़ा एनालिसिस आप दें कि क्या ये इसमें रशिया जो इस वक्त असर्ट कर रहा है अपने आप को, तो क्या उसमें सिर्फ ये पहलू ज़्यादा गालिब है कि वो हर मुल्क या कौम जो पहले एक सुपर पावर रही हो और उसका बड़ा असर और रसूख हो और वो उससे छिन जाए तो फितरी तौर पर ख्वाहिश होती है कि वो दोबारा उसको हासिल करे और असर्ट करे, तो क्या ये पहलू ज़्यादा गालिब है या बहुत से तजिया निगार कहते हैं कि नहीं अमेरिका ने नेटो के जरिए से उसको गोया पुश करने की कोशिश की तो उसका रिएक्शन है इस। जी मेरे ख्याल में दोनों असबाब हैं, और लेकिन एक तीसरा सबब भी बहुत मेरी नजर में इंपॉर्टेंट है, जी पॉलिटिकल वो भी इकोनॉमिक्स की सर। जी सही एक ये है कि नेटो जो जो मुआहदा हुआ था उनका, जो यूनाइटेड स्टेट के दरमियान और सोवियत यूनियन के दरमियान, वो ये था कि नेटो जहां तक आ चुकी है इसे आगे नहीं जाएगी, और जी वो नेटो ने उसको वायलेट किया। दूसरी बात यह है कि ये बात भी दुरुस्त है कि आप अगर पुतिन की जितने भी जो है ना इंटरव्यूज हैं आप देखें, उनमें बहुत सारे इंटरव्यूज में वो रेफर करता है कि हम अपने सोवियत यूनियन के वक्त को, और ना सिर्फ सोवियत यूनियन के वक्त को, उससे पहले ज़ार रूस के वक्त को भी, तो और पूरी एक सिर्फ एम्पायर पुतिन थी, नहीं, जाहिर अगर रशिया आप एक एम्पायर थी। जी हाँ जी। और दूसरा, आप लंदन के अंदर, मैं यूनिवर्सिटी हूँ, यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका ताल्लुक रशिया से है, मतलब दोस्त गहरे दोस्त नहीं, मतलब जैसे हम मिलना जुलना और कभी कॉफी पी लिए थे। तो आप कभी भी उनसे ना नेशनलिज्म पे बात नहीं कर सकते, वो हमेशा यही कहते हैं हम अजीम थे और आप भी अजीम हैं। वो नहीं मानते कि सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया, वो कहते थे कि वक्त हमसे इम्तिहान ले रहा था, तो ये है वो। अच्छा, जो तीसरा सबब है वो मेरी नज़र में सबसे ज्यादा अहम है, वो ये है कि पुटन, रशियन भी मानते हैं कि पुटन बकायदा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है। जब आपकी अपोजिशन ही ना हो और आप अकेले जीत रहे हो, तो फिर तो कौन मान सकेगा कि आपने बकायदा रेस डेमोक्रेसी लड़ी है है या इलेक्शन या जमहूरियत है। यानी वहां राजा अब रियाज पुटन भी जो नहीं है जी बिल्कुल सही। तो अब प्रॉब्लम यह है कि पुतिन को ना लेजिटिमेसी चाहिए, और लेजिटिमेसी के ना दो तीन मतलब सोर्सेज मुमकिन है। तो एक सोर्स ये हो सकता है कि हम कहें कि इकोनॉमिक, जिसको हम वोटिंग कहते हैं, लेजिटिमेसी कहते हैं, अच्छी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस दें
और उसके बाद अवाम से लेजिटिमेसी लें, जैसे चाइना के अंदर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी लेती है कि भाई देखें हम परफॉर्म कर रहे हैं ना, आपकी ग्रोथ बढ़ रही है, आप 25-30 साल से पहले से कंपेयर करें, हम बुरे हैं क्या? मुशरफ ने भी उसी तरह से लेजिटिमेसी लेने की कोशिश की थी, अयूब खान ने भी उसी तरह से लेने की कोशिश की थी। जी दूसरी लेजिटिमेसी की किस्म होती है कि आप कहें कि अच्छा हम जो है ना अवाम के वोटों से मुंतखब होके आए। और तीसरी लेजिटिमेसी की ये किस्म होती है कि अगर आप दोनों सूरतों में अपने आप को ना मनवा सकें, आप नेशनलिज्म खड़ी करते हैं, आप कहते हैं कि हम फिलहाल कुर्बानी देंगे लेकिन अनकरीब जो है ना हम साबित कर देंगे कि भाई हम दुनिया की अजीम कौम हैं। हम अजीम लोग जी। तो जी हाँ, अब देखें कि यूक्रेन वॉर से पहले और यूक्रेन वॉर के बाद अभी आजकल जो हो रहा है, पुटिन की मकबूलियत बढ़ी है, और सिर्फ वहां नहीं बढ़ी, सर्बिया के अंदर बढ़ी है, मालदोवा के अंदर बढ़ी है, मतलब जो नेबरिंग कंट्रीज हैं रूस के और जो यूरोपीय यूनियन के भी नेबरिंग है, सर्बिया और मालदोवा एक पोटेंशियल कैंडिडेट है यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के, वहां भी बढ़ी है पुतिन की मकबूलियत। ये कितनी हैरत की बात है। तो जी एक तरह से वो लिजिटिमेसी विन करने की बहुत अच्छी कोशिश है, और आप इस जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी नेशनलिज्म का भूपल वतनी का और क्या कहते हैं इस्लाम इस्लामिक नेशनलिज्म क्रिएट करने का भी एक शौक जो सियासतदानों को होता है, वो लेजिटिमेसी का जी उसूल भी होता है। जी वो लेजिटिमेसी का एक बड़ा सोर्स जो है वो हमारे यहाँ ज़ाहिर है, नेशनलिज्म भी और मजहबी नेशनलिज्म बिल्कुल है, बिल्कुल सही। बिल्कुल बिल्कुल तो ये एक तीसरा डायमेंशन है कि उनकी अपनी पुतिन की अपनी एक दाखिली सियासी ज़रूरत भी है जिसकी वजह से वो ये जी हाँ जी करने पर मजबूर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि वो उसका कद छोटा है, तो छोटे कद वाला तो थोड़े से उनको मतलब उनके अंदर एहसास कमतरी होता है तो हाँ वो ठीक है, ठीक है जी ठीक है। ये सारे तजिए करने के या जजमेंट देने के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। और अच्छा जी ठीक है, ये रशिया का तो आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा यूरोप की एक सवाल मैंने आपके भेजा था, क्या अगर उस पर मुनासिब हो कि आप ब्रीफली एक कमेंट करें कि मेरे साथ आजकल पढ़ रहा हूँ कुछ, यूरोप कैसे मेकिंग कैसे हुई और उसके इंटरनल मसाइल क्या हैं। तो ऐसा लगता है देखने में कि यूरोप जो है वो उसको जुग्राफिया और कुछ सियासी हालात और ज़ाहिर है एक कॉमन उनका पास्ट भी है, उसने बांधा तो हुआ है और एक तरह की एक मुश्तरक आइडेंटिटी तो मौजूद है, लेकिन जो नस्ली तकसीम है और उसकी बुनियाद पर नेशन स्टेट्स की, वो अब भी काफ़ी गहरी है। तो अगर ये खारजी दबाव ना हो या इस तरह के चैलेंजेस ना हो तो शायद ऐसा लगता है कि वो फिर से कोई दो जंगें तो पीछे हमने एक सदी में देखी हैं, तो क्या उसमें कोई दूसरी जंग अजीम के बाद से अब तक जो जैसे बात आगे बढ़ी है, क्या उसमें कोई तब्दीली आई है कि ये खारजी अवामिल जो उसको बांधे हुए हैं ये अगर फ़र्ज़ करें ना हो तो क्या एक कोहियन इंटरनली एक कोहियन कुछ बेहतर हुई है या वही तकसीम मौजूद है। अच्छा, मैं आपको ना एक दिलचस्प बात बताऊं कि आजकल ना यूरोप में यूके के अंदर एक एक बहस चल रही है कि ब्रेग्जिट जो के असरात पे ना कि ये ठीक हुई या गलत हुई। जी तो इस वजह से ना आजकल एक टर्म बड़ी यहाँ मशहूर है कि रिग्रेट ब्रेग्जिट को ना इन्होंने रिग्रेट के मानों में ना कन्वर्ट किया, एक हैशटैग बनाया अच्छा कि अब यूके जन परेशान है कि क्या हो गया यार, कैसे हम ब्रेग्जिट कर बैठे। मैं नहीं मानता कि कोई इस पर कोई खास कोई मैंने कोई कोई ऐसी तहरीर देखी है या जो रोबस्ट स्टडी देखी है कि वाकई जो जो है मतलब यूके पछता रहा है गवर्नमेंट लेवल पे, लेकिन अवामी सर्वे आए हैं जो अब अवाम की अक्सरियत ब्रेग्जिट की हामी नहीं रही, ये तो सर्वेज आए अच्छा ये मैंने देखे हैं। अच्छा, वो क्यों हुआ है तो उससे हम पूरा का पूरा ना एक तनाजुर समझ सकते हैं। वो ये जी हुआ है कि यूके जो है ना एक बड़ी मार्केट से महरूम हुआ है, और जब बड़ी मार्केट से महरूम हुआ, इस वक्त यूके वाहिद कंट्री है
एडवांस्ड कंट्रीज के अंदर जो इस साल भी नेगेटिव ग्रोथ में जा रहा है, जबकि सारे पॉजिटिव ग्रोथ के अंदर। तो ये समझा जा रहा है कि ये ब्रेक्जिट के असरात हैं। एक तो आप इतनी बड़ी मार्केट से महरूम हुए हैं, जी दूसरा यहाँ बहुत सारी कंपनी इस वजह से बैठी थी कि वो पूरे यूरोपीय यूनियन को कवर करना चाहते थे। तो वो भी तीसरा ये कि ना अभी आपको, जी हाँ, तीसरा ये कि ना आपको एक अफरादी कुव्वत वहां से पूरे यूरोप से मूव करती हुई आती थी, वो भी अब नहीं आ रही। बहुत सारे असरात हैं, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये शुरू का असर है, जो लॉन्ग टर्म है वो असर शायद मुख्तलिफ हो। मेरी फील्ड का, मेरी तहकीक का जो मैदान है नहीं है, तो इस वजह से मैं इस पर कोई हतमी राय नहीं दे सकूंगा। दोनों तरफ ये मौजूद है। एक तो इकोनॉमिक जो रीजन है वो अभी भी प्रिवेल कर रही है, वो सबसे बड़ी रीजन है यूरोपीय यूनियन की, कि एक बड़ी मार्केट है, आप एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। कुछ कंट्रीज ज्यादा अमीर हैं, कुछ कंट्री थोड़े अमीर हैं, तो ज्यादा अमीर को बड़ी मार्केट की जरूरत है, और छोटे और कम अमीर ममालिक को एक बड़ी पावर की वसाइल की जरूरत है, जो उससे वहां से यूरोपीय यूनियन की शक्ल में, पूल की शक्ल में, यानी एक कमेटी की शक्ल में मिल रहे हैं, जैसे हम कमेटी डाल के बैठ जाते हैं कि एक दूसरे की मदद करें। तीसरा ये कि अच्छा, मैं एक और आपको बात बताऊं कि पिछले साल मैंने काफी ममालिक का विजिट किया। बहुत सारे दोस्त हैं यूके में रहने के सबब से, कि कोई किस कंट्री से है, कुछ 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 कंट्री से, हम 10-12 भी इकट्ठे होके बैठे हैं, तो कोई एक कंट्री, दो लोग एक कंट्री के नहीं होते। मुझे आज तक तो कोई कंट्री ऐसा नहीं मिला कि जो मैं कहूँ कि उसमें ना सारी एक ही नस्ल के लोग हैं। सही मैं समझता था सऊदी अरब के अंदर सारे एक जैसे, पता चला उसमें भी 3-4 नस्लें हैं। जी जी मुतहदा अरब इमारात छोटा सा था, मतलब कोई भी मुझे नहीं मिला कि जिसको हम, इतनी हुई है, नकल मकानी इतनी हुई है कि वो जी हाँ जी हाँ, गुल मिल गए हैं। जी नकल मकानी भी, नकल मकानी भी, और दूसरा जो बॉर्डर्स की तकसीम है वो भी मसनू ही है ना। जी 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 हाँ, मतलब ये देखें कि सऊदी अरब में रियाज एक अलहदा सा एक तरह से रियासत होती थी। सऊदी मतलब मक्का मुकरमा, मदीना मुनवरा और जिद्दा, ये अलहदा से होते थे। दमाम अलहदा से होता था, और जो दूसरे रीजन के जो मतलब उर्दन की साइड के कंट्रीज हैं, वो साइड के जो इलाके हैं, वो एक अलहदा रियासत होते थे। तो जब ये इकट्ठे हुए हैं, और जब सऊदी से मैं बात करता हूँ, तो वो बताते हैं हमें कितने फर्क हैं, हम ये है वो है। तो मतलब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि कोई भी ना होमोजेनस सोसाइटी नहीं है, यूरोप भी नहीं है, और हम, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो इटालियन है, तो मैं उसके साथ जब बैठता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि, वो कहता है इस नॉर्थ इटली और साउथ इटली पे एक दूसरे को पसंद नहीं करता, हम ये छोड़ें कि इटालियन फ्रेंच को पसंद करता है कि नहीं करता। ये मसाइल मौजूद हैं, तो मुकम्मल यकसानियत नहीं मौजूद, लेकिन कुछ खारजी अनासर हैं जिन्होंने इनको जोड़ के रखा हुआ है। एक मार्केट वाला, दूसरा इनका इंटेलेक्चुअलिज्म एक दूसरे से बहुत जुड़ा हुआ है। जी मतलब सही मैं आपको, मैं आपको बताऊं कि जब भी हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस होती है, तो कॉन्फ्रेंस के अंदर या यूनाइटेड स्टेट से लोग होते हैं, या 90% यूरोप से आ रहा होता है। जी हम जब यूरोप के अंदर किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, तो वहाँ यूके भी मौजूद होता है, तो सारा यूरोप मौजूद होता है। तो एक तरह से इंटेलेक्चुअलिज्म ने इसको जोड़ा हुआ है। फिर जी हिस्ट्री में इतने बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहे हिस्ट्री हैं, फिर इनकी हिस्ट्री शादियां किसी भी ब्रिटिश फैमिली से मिले हैं, जो इंग्लिश फैमिली हो, आप उससे पूछें कि आप इंग्लिश हैं, वो कहेगा हाँ मैं इंग्लिश हूँ। आपके पेरेंट्स कौन थे, वो बताएगा, वो भी इंग्लिश थे। दादा कौन थे, वो कहेगा नहीं वो एक फ्रेंच था, दूसरे वो थे। तो एक तरह से ना नस्ली तौर पर भी एक दूसरे में जुड़े हैं। जो चौथा सबब है वो इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ है कि नेशन फॉर्मेशन में वॉर वॉर का क्या रोल है। जी तो एक तरह से जो एक्सटर्नल, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का भी असर मौजूद है, लेकिन ये जो यूक्रेन वॉर है, इस पर मेरे जो अपने सुपरवाइजर हैं यान फिद्रमोव, उनकी रिसर्च अभी पब्लिश हुई है तकरीबन 3 हफ्ते पहले, और उन्होंने स्टडी किया है कि यूक्रेन वॉर का यूरोपियन इंटीग्रेशन पर क्या असर है। तो एक बड़ा सर्वे उन्होंने ना डिफरेंट कंट्रीज का, ये वो वगैरह हुआ, और वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यूरोपियन इंटीग्रेशन ज्यादा मजबूत हुई है, क्योंकि ये फील हुआ है कि एक कॉमन थ्रेट पूरे थ्रेट, के पूरे यूरोप के कॉमन ऊपर थ्रेट है। सबको बिल्कुल, दरपेश है। ठीक सबको दरपेश है। है, तो मुझे लगता है कि जो यूरोपीय यूनियन है, वो बहुत, सिर्फ यूरोपीय यूनियन भी नहीं, आप ये मैं आपको बताऊं कि यूरोपीय यूनियन इससे पहले, यूक्रेन की वार से पहले, फुकुयामा और बहुत सारे लोग परेशान थे कि डेमोक्रेसी आपस में मुत्तहिद क्यों नहीं है। यूक्रेन वॉर ने दुनिया की डेमोक्रेसीज को भी मुत्तहिद किया है, खासतौर पर, सिवाय कुछ ममालिक हैं जो नहीं आए,
लेकिन डेमोक्रेसी इकट्ठे हुई। आप ये देखें, जापान वहां बैठा है और यूक्रेन वॉर में मतलब यूनाइटेड स्टेट और यूके की तरह मुतहरिक है जापान रशिया के खिलाफ यूक्रेन वॉर। तो उसकी क्या वजह है कि इनको फील हुआ है कि जमहूरियतें अगर एक दूसरे के साथ आम वो नहीं करेंगी तो कोई भी कॉमन थ्रेट नहीं। जापान सोच रहा है चाइना के तनाजुर में कि अगर आज मैं इनके साथ नहीं हूं तो कल अगर चाइना का थ्रेट मेरी तरफ आता है तो फिर ये जमहूरियतें मेरी तरफ नहीं ये कौन आएंगी। मदद करेगा? बिल्कुल ठीक। जी हाँ जी हाँ। और ये भी एक तो खूबी है जमहूरियत की कि जमहूरियतें इकट्ठे जल्दी हो जाती हैं। आमरियतें रशिया और चाइना हुए बैठे हैं लेकिन सारी आमरियतें उनके साथ नहीं है, तो आमरियतें नहीं इकट्ठी होती, जमहूरियतें जल्दी हो जाती। नहीं, बहुत शुक्रिया। ये आपने एक बहुत ज्यादा वसी और ब्रॉडर एक आपने पर्सपेक्टिव दिया है, और उससे समझ में आ रहा है कि चीजें कैसे आगे बढ़ी हैं। ज़ाहिर है जी यूरोप हाँ तारीख जी से हाँ मुसलसल आगे बढ़ती है, लेकिन यूरोप भी जी जो हाँ जी जंगों के बाद से अब यानी और समझ में आगे बढ़ रहा है, तो इससे चीज़ों को देखने जी में हाँ जी हाँ मदद मिलती जी हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक है सर। आपकी आज की बहुत जो शुक्रिया। वक्त मैंने उससे जी ज़्यादा हाँ दिया, लेकिन मेरे ख्याल में हमने काफ़ी चीज़ें आपसे सीखी, और मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें बहुत आने शुक्रिया। वालों के लिए भी बहुत मुफीद और मददगार होंगी। अल्लाह जी हाँ जी हाँ आपके मुझे इल्म यकीन में और उम्र में बरकत दे, और है। आमीन आमीन। आपसे ये मुल्क, हमारा मुल्क भी आपकी इल्म से और तजर्बे से फायदा उठाए इंशाल्लाह। आमीन आमीन इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया आपके सेहत के लिए और इस प्रोग्राम के लिए जो आप शुरू करने जा रहे हैं, इसके लिए नेक तमन्ना है। यू बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। वालेकुम सलाम।